सो गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T2 डिवाइस के अंदर आप बैकग्राउंड स्ट्रीम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। गाइस, काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ऑप्शंस हमारे फोन से गायब हो रहे हैं, और गाइस इसका जो सलूशन है वो लोगों को चाहिए कि किस तरीके से हम और वीडियोस जो ऑप्शंस गायब हो रहे हैं वीडियो को स्ट्रीम कैसे कर पाएंगे बैकग्राउंड में, ऐसी चीजें। और इस तरह के कमेंट्स हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है गूगल की गाइडलाइन की वजह से ये ऑप्शंस रिमूव हो रहे हैं और सभी के सभी फोनों से डिवाइसों से रिमूव हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें, अगर आप ट्राई करना भी चाहते हैं, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन रिकमेंड करना चाहता हूं, आप उसको ट्राई करके वीडियोस को बैकग्राउंड में स्ट्रीम कर पाएंगे। वेल गाइज, उसके लिए आपको फॉलो करना होगा अपने प्ले स्टोर को और यहां से डाउनलोड करना है एक प्लेबैक एप्लीकेशन से। हालांकि आप डिस्क्रिप्शन को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी मिल जाएगा लिंक, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइज, यहाँ पर करना क्या है, मेरे केस में यहाँ पर है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये है इस ऐप का होम इंटर डैशबोर्ड, जहां पर आपको सजेशन में बहुत सारी एप्स मिल रही है। बहुत क्या 4 एप्स है जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो पॉपुलर्स हैं वो दिख जाएंगे। अभी इनकी वीडियोस को अगर बैकग्राउंड में आपको स्ट्रीम करना है तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर यूट्यूब की जो वीडियोस है स्ट्रीम करी करने के लिए यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ताकि समय थोड़ा सा यहाँ पर बचे हमारा। हालांकि आई थिंक ये एक्सपायर हो चुका है, मैं फिर से सारी चीज़ों प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको। एक बार यूट्यूब पर क्लिक करना है, मैं यूट्यूब का करके दिखा रहा हूँ आपको, और चलाना फेसबुक वगैरह को अभी चला सकते हो। करंट टाइम पे हमारी वीडियो ऊपर आ रही है, हम इस अपनी वीडियो को रन कर लेते हैं। एड्स वगैरह इसमें भी आती है गाइस, ऐसा नहीं है नहीं आती, एड्स इसमें भी आती हैं, सारी प्रोसेस सेम है, सिर्फ ये बैकग्राउंड में रन करता है और स्क्रीन बंद करके आप यूज कर सकते हो। अभी देख सकते हो हमारी ही वीडियोस पे ऐड आ चुकी है, मैं अपनी कोई और वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो ये गाइस हमने सेकेंड वीडियो ऑन कर दिया, इसमें एड्स नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको यूज कैसे करना। देखो यहाँ पर आवाज देता हूँ, थोड़ा सा आवाज आ रही होगी अच्छे से। इसमें राइट साइड में इसी ऐप के अंदर ये वीडियो चल रही है, यूट्यूब के अंदर नहीं चल रही, ध्यान रखना। इस पे प्ले बटन पे हिट करना है, बैकग्राउंड प्ले का एक ऑप्शन होगा, जस्ट आप क्लिक कर देंगे इस तरह से। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से डैशबोर्ड गायब हो चुका है, वॉइस आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने फोन के अंदर इस ऐप के थ्रू वीडियोस को बैकग्राउंड में स्ट्रीम कर सकते हैं।